2% है या 4% है, लेकिन हालात ऐसे है कि हमें अपने संगठन को किस क्षेत्र में ज्यादा समय देना है, ध्यान देना है, और किस तरह से जिस मजदूर वर्ग के लिए हम लोग काम करने के लिए बांधे गए हैं वो सबका झुकाव और कान है। मुझे खुशी हुई पांडे जी को मिलकर, क्योंकि किसको के तीन कारखानों का काम मैं देखता हूं, उसमें से एक यानी तीनों कारखाने आपके जमशेदपुर में बड़े पैमाने पे हैं, हमारे यहाँ छोटे पैमाने पे हैं। जो WRM है, जिसको आप लॉन्ग प्रोडक्ट बोलते हो, रॉड्स बनाते हैं, ट्विस्टेड रॉड्स बनाते हैं, काफी सालों से उस ईंधन का काम मैं देखता हूँ किसको का। और इस साल दिवाली में मैं एग्रीमेंट किया हूँ साहब WRM में, बोनस लिया है 60,000 रुपया। किसको का एक यूनिट, स्टील का एक यूनिट 60,000 रुपये का करार हमारे से करता है, तो अंदाज कर सकते हो कि आमदनी कितनी हो। ये तो देने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन ये काफी एडवांस टाइप ऑफ नेगोशिएशन था। वैसे ही आपकी एक यूनिट है CRC वेस्ट, बड़ी यूनिट है आपके पास, जब आप यूनिट बांध रहे थे तब मैं वहां पर मौजूद था, और जमशेदपुर में ही नेगोशिएशन बहुत करके हमारे होते हैं, फाइनल नेगोशिएशन और ऐसे सेटलमेंट भी होते हैं। लेकिन इस भाषा को कहना कि हम 10,000 रुपया विमान कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये आखिरी पड़ाव बिना पार किए इस कार्यक्रम के बाद जो खाने का आनंद आप ले सकते हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए ये पड़ाव तो आप सबको पार करना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन ये तो हमारा दायित्व बनता है कि जनरल मजदूर सभा के तरफ से यहाँ पे जो स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन का हम लोग अधिवेशन करने जा रहे हैं 2 दिन का, तो आप सब इसके लिए आए, तो मैं इस जनरल मजदूर सभा की अध्यक्षा के नाते से मेरा दायित्व बनता है आपका धन्यवाद करूं। आज कितना अच्छा अवसर है, मुझे मालूम है देर हो गई है, लेकिन बहुत कम सब सभा में ऐसे इतने सब अच्छे अच्छे वक्ता और सब लीडर एक ही मंच पे मिलते हैं। हमारे अखिल भारतीय हिंद मजदूर सभा के महामंत्री जी यहाँ पे हैं, अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, वो दोनों ही इतने व्यस्त काम में होके भी हमारे लिए इस अधिवेशन में आए, इसलिए मैं हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री शरद राव जी, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री जी हरभजन सिंह सिद्धू जी जो दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे लिए यहाँ पे आए। इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के साउथ एशिया ऑफिस के जो रीजनल सेक्रेटरी है माननीय सुदर्शन राव जी, वो भी इस अधिवेशन के लिए हमारे लिए आए, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे सब यहाँ पे जो बुजुर्ग नेता थे, और हमारे MLC डिप्टी चेयरमैन वसंत डावखरे जी यहाँ पे आके गए, MLC निरंजन डावखरे यहाँ पे आके गए, डॉक्टर साहब यहाँ पे थे, और हमारे इंडियन नेशनल मेटल फेडरेशन के महामंत्री रघुनाथ पांडे जी यहाँ पे, जैसे संजय जी ने बताया कि वो हमारे लिए जमशेदपुर से यहाँ पे आए हैं, तो मैं जनरल मजदूर सभा की तरफ से स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मणिबेन कारा इंस्टीट्यूट के हमारे डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र गिरी जी यहाँ पे आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन जिन्होंने किया वो राणे जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सब एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर जो पूरे भारत भर से यहाँ पे इस अधिवेशन के लिए आए हैं, अभी मैं नाम नहीं लेती, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। रवि राव जी यहाँ पे आए, उनका धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आपको बताया गया कि इस अधिवेशन में जो महामंत्री जी का रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे और जो स्मरणिका यहाँ पे आपको दी जाएगी, उसका काम जिन्होंने पूरा महीना भर
पूरा दिन और रात जिन्होंने मेहनत की वो मारुति विश्वास राव जी, हमारे दत्ता खेते जी और विजय रणदिवे जी, वो आज आए नहीं लेकिन उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे देसाई जी वो जो ट्रेजरर है हमारे स्टील मेटल फेडरेशन के, वो सब एफिलिएशन का काम देखते हैं, उनके साथ आज कमलाकर पोद्दार जी और हमारे सब हमारी जनरल मजदूर सभा की स्टाफ जो उनके साथ रजिस्ट्रेशन डेस्क पे थी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे अखिल भारतीय हिंद मजदूर सभा की एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रवीणा मैडम जी यहाँ पे आई, कल्पना देसाई जी यहाँ पे आके गई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सब मुंबई पोर्टर्स के सब कार्यकर्ता हमारे साथ जो काम करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सब लोग के जिनके बिना और स्मृति के सभी पदाधिकारियों को मैं विनम्र करता हूँ कि आप स्टेज पे आ जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी मोबिल में विनम्र करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत, वो आज ही पधारे हैं, वो भी आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो सभा की कार्रवाई हम ऐसा करेंगे कि जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट जो मैं सादर करने जा रहा हूँ आपको एक एक कॉपी दी गई है, तो कृपया करके आप पढ़िए। उसमें मैं सादर करने के बाद कल हमारी वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई बहुत सारे रिजोल्यूशन के बारे में, और वो रिजोल्यूशन वर्किंग कमेटी के तरफ से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो मेरे मानने वाले डेलीगेट एक एक करके वो प्रस्ताव पेश करेंगे आपके सामने। वो सब होने के बाद फिर डेलीगेट सेशन हर एक आदमी को जिसको जिसको ये जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट के बारे में और रिजोल्यूशन के बारे में कहना है तो वो अध्यक्ष महोदय को अपनी चिट्ठी दे के वो इस तरह से अपन उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो लगभग ये कार्यक्रम है आज की सभा का, तो मैं अध्यक्ष महोदय के परमिशन के साथ मैं अपना जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट सादर करने जा रहा हूँ। कुछ मेहमान सभी वर्किंग कमेटी के मेंबर कल जो मीटिंग हुआ कल सुबह वर्किंग कमेटी मीटिंग, हमारे अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर शांति पटेल जी, बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने महिलाओं के बारे में रेजोल्यूशन रखने जा रही हूँ। कल आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी कार्यक्रम के लिए, लेकिन आज महिलाओं की उपस्थिति इतनी कम है उससे ही दिखता है कि ट्रेड यूनियन में इतनी सारी महिलाएं होते हुए भी जब यूनियन के प्रोग्राम हो या कुछ अधिवेशन हो उसमें उनकी उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती है। तो उसके कारण कई है, आप सब जानते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के है, खुद काम करती है, उसके काम होने के बाद फिर वापस यूनियन का काम करना, ये सब सारी दिक्कतें हैं। फिर भी हम ये भूल नहीं सकते कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आज के ट्रेड यूनियन में आ रही हैं, और अपने HMS के अधिवेशन में हो या स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन में हो या बाकी किसी इंडस्ट्रियल फेडरेशन में हो, हमेशा हम ट्रेड यूनियन में महिलाओं का योगदान, उनको लीडरशिप में लाने की पोजिशन के बारे में प्रस्ताव रखते हैं, पारित किया जाता है, और मुझे बहुत गर्व है बताने में कि हमारे जो HMS के लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनको लीडरशिप में लाया गया है। अगर आप हमारी HMS की वर्किंग कमेटी देखेंगे, हमारे स्टील मेटल वर्किंग फेडरेशन की वर्किंग कमेटी देखेंगे तो महिलाएं उनमें आपको दिखाई देंगी। आप देखते हैं कि हमारी मिन्नती जी यहाँ पे डायस पे बैठी है, वो इस फेडरेशन में सेक्रेटरी का पोस्ट निभा रही है। हमारे HMS में भी इतनी महिलाएं हैं, चंपा वर्मा जी हैं जो सेक्रेटरी है, और बहुत सारी महिलाएं जो ट्रेड यूनियन में
और ओवरऑल महिलाओं को सभा में पारित किया गया था, वो फिलहाल ये सब इंसिडेंट जो महिला पे दिल्ली में अत्याचार हुआ वो दिसंबर 2012 में हुआ, तो मेरे ख्याल से वो सब देश में लोग जब रास्ते पे उतरे और ये सब देखा तो हमारे सरकार ने 26 का विषय अच्छी तरह ले रहे हैं। तो अभी मैं इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखती हूँ कि आवर मेफी डिमांड that the law should be strictly enforced for stopping crime against women. The police should also keep strict vigil in rural, urban and suburban areas, and the cases of rape, murder and abduction against women. प्रस्ताव पे गया है और उनके टाइप करने जा रहे हैं मीना की विश्वास जी। प्रेम और संदेश शेट्टी की महामंत्री जी श्री संजय वड़ाकर जी है, हमारे शेट्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीयुक्त त्यागी जी महोदय है, हमारे हिंदमधुर सभा की और हिंदमधुर सभा की सभापति और समिति की वाइस प्रेसिडेंट हमारे बड़ा भाई श्री राजेंद्र फरमान वर्कर कोई नहीं सेज के तहत कानून उनके अपने चल रहे हैं, हम सेज की पुलिस नहीं लगती, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा। बस अगर आपको जाना है तो 12 किलोमीटर ऑटो लेके जाइए, 400 रुपए देना, वरना मालिक जो बस दे रहा है सस्ता क्या मालिक ज्यादा बताते नहीं बाहर लोगों को। हमारी जो समस्या है संगठन की वो ज्यादा हम रखते नहीं है, हम ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन उन्होंने दरखास्त की है तो हमने भी सोचा है कि अभी नया जमाना है, नया टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट आपसे मिले तो मैं तुरंत उधर पहुंचाने का काम करूंगा। मेरे पास अभी ये रिपोर्ट में छपवाई है, आप देखेंगे बहुत सारे फोटो का मैं इंक्लूजन किया, सुविनर हो या जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट, हर एक स्टेट का रिपोर्ट का लीडर का नाम और फोटो देने की कोशिश की। आप लोगों ने किसी ने फोटो नहीं भेजे थे मेरे को, लेकिन मैं उनके नाते बोलो, ये बुक जो पब्लिश हुआ उसके लिए हमारी टीम मारुति विश्वासराव जो आप खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी हमारे मेंबर्स जरा जनरल मजदूर सभा के जो एक्टिव मेंबर है खड़े रहिए जरा, बहुत सारे बाहर है, बहुत सारे बाहर है, लेकिन इनके बदौलत ये संविधान वन मिनट सर, हेलो हो गया। वन मिनट
बाहर